हाय गाइस, वेलकम बैक। आपका अपने चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम फुल रिव्यू करेंगे 17.3 के नए अपडेट का। इस अपडेट को रिलीज़ हुए 4 दिन हुए हैं। 4 दिनों में ये जो अपडेट है कैसा परफॉर्म कर रहा है, कैसा आपको बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा, और ये जो अपडेट है आपको इंस्टॉल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कंप्लीट रिव्यू मैं आपको इस अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ। सो स्टार्ट करते हैं गाइज आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी से। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस अपडेट में एप्पल ने कौन कौन से फीचर्स को प्रोवाइड किया आप सभी के लिए। यहाँ पर आपको सबसे पहले स्टोलन डिवाइस प्रोटेक्शन का फीचर एप्पल ने ऐड करा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और यूज़फुल फीचर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो फीचर है आपके डिवाइस को काफ़ी स्ट्रॉन्गली प्रोटेक्ट करता है। अगर बाय चांस किसी के हाथ आपका डिवाइस लग भी जाता है तो उसको 1 घंटे का डिले लेना पड़ेगा, अगर वो आपके एप्पल आईडी के पासवर्ड या फ़ोन के पासवर्ड को चेंज करना लगेगा। तो ये जो फीचर है काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहता है आपके डिवाइस को। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें और कौन से नए फीचर्स आए हैं, जैसे कि यहाँ पर यूनिटी ब्लूम के नए वॉलपेपर्स एप्पल ने ऐड ऑन करे हैं, और कुछ नए चेंजेस आपको आपकी म्यूज़िक ऐप में भी देखने को मिलने वाले हैं। तो बात करते हैं इस अपडेट में आपको बैटरी बैकअप कैसा देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले मैं डार्क मोड को यहाँ से डिसेबल कर देता हूँ ताकि आपके लिए अच्छी तरह से विजिबल रहे सब कुछ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बैटरी हेल्थ है 96%। करंटली मेरे आईफोन 13 की ज़रा सी भी बैटरी हेल्थ ड्रॉप नहीं हुई है, जैसी पहले थी वैसे ही आपको अब देखने को मिल रही है। बैटरी हेल्थ काफ़ी बढ़िया चल रही है, बैटरी बैकअप भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है मुझे अपने डिवाइस के ऊपर। बैटरी बैकअप जो है वो कई आईफोन्स पे बढ़िया है, और कई आईफोन्स पे आपको कम बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा, जैसे कि आईफोन 11 और XR के ऊपर आपको कम बैटरी बैकअप देखने को मिलने वाला है। तो अब बात आती है इस डिवाइस की परफॉर्मेंस की। आईफोन 13 की परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया चल रही है, इसमें मेरे को कोई भी लैगिंग इशू फेस नहीं हुआ है जब से मैंने इस अपडेट को इंस्टॉल किया है अपने डिवाइस के ऊपर। और साथ में ये जो वॉलपेपर है काफ़ी कूल सी एनिमेशन भी आपको प्रोवाइड करता है। अब बात आती है इस डिवाइस की कनेक्टिविटी के बारे में और वाईफाई के बारे में। वाईफाई और कनेक्टिविटी के इश्यूज जो थे वो पुराने अपडेट में थे, इस वाले नए अपडेट में आपको कोई भी ऐसा इशू देखने को नहीं मिलेगा। बहुत ही बढ़िया चल रही है इसकी वाईफाई के कनेक्शन, और कॉलिंग एक्सपीरियंस भी काफ़ी बढ़िया है। कॉलिंग में कोई भी ड्रॉप देखने को नहीं मिल रहा है। पुराने अपडेट में आईफोन 13 में काफ़ी सारे लैगी इशू थे, इस वाले अपडेट में कोई भी लैगिंग इशू मेरे को देखने को नहीं मिल रहा है। और बात करें इस डिवाइस की हीटिंग की, हीटिंग इशू आपको देखने को नहीं मिलने वाला है इस नए अपडेट के ऊपर, किसी भी आईफोन के ऊपर, चाहे वो आईफोन 11, 12, 13, 14, 15 सीरीज़ हैं। तो ये था कंप्लीट रिव्यू 17.3 के नए स्टेबल अपडेट का। ये अपडेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टोलन डिवाइस प्रोटेक्शन का फीचर एप्पल ने ऐड करा है, और साथ में कुछ न्यू वॉलपेपर्स और आपके लिए बग्स को फिक्स करा गया है आपके डिवाइस के लिए, और सिक्योरिटी अपडेट्स पोस्ट किए गए हैं। इसलिए आपको इस अपडेट को ज़रूर कंसिडर करना चाहिए अपने डिवाइस के लिए, ताकि आपका डिवाइस और भी ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहे स्टोलन डिवाइस प्रोटेक्शन के फीचर को यूज़ करके। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।